डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट ट्रॉलिंग सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटरनेट ट्रॉलिंग क्या है हम अगर इसको सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन करें तो ऐसे कमेंट्स जो आप ऑनलाइन देते हैं जिसकी वजह से कोई हरास हो जाए जिसकी वजह से किसी के इमोशंस को जो है बैड फीलिंग्स आएँ उसको हम इंटरनेट ट्रॉलिंग कहते हैं इंटरनेट ट्रॉलिंग रेफर्स टू एंटेगनाइज अदर्स ऑनलाइन बाय डिलिब्रेटली पोस्टिंग इन्फ्लेमेटरी इलेवेंट और ऑफेंसिव कमेंट्स और अदर डिसरप्टिव कंटेंट तो ये जो इंटरनेट ट्रॉलिंग है ये इन शेप ऑफ कमेंट्स भी हो सकती है इन शेप ऑफ मीम्स भी हो सकती है इन शेप ऑफ हैच टैग भी हो सकती है और इन शेप ऑफ पिक्चर्स और वीडियोज़ भी हो सकती है अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन देखें तो इंटरनेट ट्रोलिंग रेफर्स टू तो हरास क्रिटिसाइज और इंटेगनाइज समवन स्पेशली बाय प्रोवेक्टली डिस और मोकिंग पब्लिक स्टेटमेंट्स पोस्टिंग्स और एक्ट्स तो आ, ऐसा कोई भी आ, आपका रिमार्क्स जिससे कोई हराश हो जिससे किसी की फीलिंग्स हर्ट हों या जिससे किसी के सेंटिमेंट हर्ट्स हों वो इंटरनेट ट्रोलिंग कहलाता है हम जब आज के दौर में आ, सोशल मीडिया की बात करते हैं तो ये एक काफ़ी ट्रेंड चल निकला है या ये काफ़ी कल्चर डेवलप हो चुका हुआ है कि लोग दूसरों को ट्रोल करते हैं बट इंटरनेट ट्रोलिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ साइबर बुलिंग वी कैन नॉट टेक इट एज एन नॉर्मल बिहेवियर इट्स अ फॉर्म ऑफ अ साइबर बुलिंग एंड सोशल मीडिया यूजर्स ट्रॉल अदर्स विदाउट हैविंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ये देखने में आया है जब भी कोई आप इंटरनेट ट्रॉलिंग के ट्रेंड्स देखते हैं तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो इंटरनेट ट्रॉल्स ट्रेंड कर रहे होते हैं उसमें से जो सोशल मीडिया यूजर्स उसको फॉलो कर रहे होते हैं या फॉर्वर्ड कर रहे होते हैं उन्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती कि ये जो ट्रोल कैसे जनरेट हुआ और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है वो जस्ट उसको एज अ इंटरटेनमेंट लाइक कर रहे होते हैं और फॉरवर्ड कर रहे होते हैं एंड इट कैन बी कंट्रोवर्शियल एज वेल और जब हम देखते हैं कोई पोलिटिकली मोटिवेटेड या कोई एथनिकली मोटिवेटेड ट्रोलिंग ट्रेंड निकलता है तो इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज एज़ वेल and trolling can be turned into hate speech against a particular individual group or community so most of the time uh, when we talk about internet trollings and the trends of the internet trolling it has been seen that those inter, uh, trends of internet trolling turned into the hate speech against a particular community or group of individuals or a particular group uh, and this is why it can be very disruptive for the society and it can be very harmful for the uh, social integration of the society.